दोस्तों कुछ समय पहले चाइना ने इंडिया के मजबूरी का फायदा उठाने के लिए इंडियन ट्रेन्स में लगने वाले जो व्हील्स यानी कि जो पहिए हैं उनको इंडिया को 1.5 गुना ज्यादा प्राइस में बेचा था। लेकिन अब ये जानकर चाइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि 22 जून को मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी है और ये कंपनी अभी तक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रेलवे प्रोडक्ट की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी, लेकिन 22 जून को इस कंपनी के द्वारा 100 एकड़ लैंड में फैले एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है जो कि आपको हैदराबाद के रेंगारेड्डी जिले के कोंडकल गांव में देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 100 एकड़ में फैली प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री है इसके अंदर सभी प्रकार के रेलवे रोलिंग स्टॉक को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कोचेस, ट्रेन सेट, लोकोमोटिव, मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि मुंबई की तरफ से इस प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री को मोनो रेल को मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर भी मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री को खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के द्वारा ओपन किया गया है। अब अगर बात करें कि इस फैक्ट्री को शुरू करने का आइडिया कहां से आया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2017 में मेधा ग्रुप और तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर एक एमओयू को साइन किया था। इस एमओयू के द्वारा एक प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री को सेटअप किया जाने वाला था और 13 अगस्त 2020 को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामा राव के द्वारा इस फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, यानी कि इस फैक्ट्री की नींव रखी गई। अब अगर बात करें इस फैक्ट्री की एक साल की कैपेसिटी के बारे में, तो बताया जा रहा है कि इस प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा एक साल में 500 कोचेस और 50 लोकोमोटिव को तैयार किया जाएगा हर साल, और ये सब 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ होगा। अब दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया में जब भी कोई फैक्ट्री ओपन होती है तो इंडिया में काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 2,000 लोगों को इस फैक्ट्री के द्वारा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ये फैक्ट्री इनडायरेक्टली भी लोगों को काफी ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो इंडिया अभी तक दूसरे देशों से रेलवे के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कराया करता था, अब वो देश खुद दूसरे देशों को रेलवे के कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।